नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका जगत जननी माता सीता की धरती सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर से स्वागत है और हम पहुँचे हैं स्वीट शहर, इसे मिष्ठानों का शहर कहते हैं। यहाँ की बलसाई नामी है। और क्यों यहाँ की बलसाई प्रसिद्ध है, यहाँ की बलसाई कहाँ कहाँ जाती है, उस सारी बातों से हम यहाँ के जो मिष्ठान दुकान के कुछ दुकानदार हैं, ऑनर हैं, उनसे मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। खास करके अगर आपको मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी कभी जाने का मौका मिलेगा तो रून्नी सैदपुर एक शहर है जिसे मिष्ठानों का शहर कहते हैं, बालूशाही का शहर कहते हैं। उस शहर में कई नामचीन दुकान है मिष्ठान का, वहाँ आपको ये बलसाई मिलेगा। यहाँ की बलसाई क्यों प्रसिद्ध है, उस सारी बात हम आपको बताते हैं। बाबा जी मिष्ठान भंडार में हैं रून्नी सैदपुर में, और यहाँ की बलसाई क्यों नामी है, रितेश कुमार जी हैं, इनका प्रतिष्ठान है बाबा जी मिष्ठान भंडार। आप बताइए कि रून्नी सैदपुर की बलसाई क्यों नामी है। रून्नी सैदपुर की बलसाई नामी का सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जो यहाँ जो दूध आता है वो गाँव देहात से आता है, सबसे पहला रीजन ये है। और प्लस दूसरा कि यहाँ को बनाने का तरीका बालूशाही का, कि आपको बनाने का तरीका अलग और जगह से बेहतर मिलेगा, तरीका अलग बनता है। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ का पानी जो मतलब स्वाद लाता है मिठाई में, वो सबसे बड़ा रीज़न है बनाने का, मतलब स्वाद का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ का पानी, पानी में जो तासीर है उस तासीर के कारण ये रून्नी सैदपुर के बालूशाही का स्वाद कुछ अलग हो जाता है। अगर इसका सेम प्रक्रिया इस जगह से हट के दूसरे पानी से किया जाए तो क्या ये स्वाद नहीं आएगा? ऐसा नहीं आएगा, ऐसा हम ही नहीं कह रहे, बहुत सारे मिस्त्री या बहुत सारे लोग जो बाहर बनवाए हैं ऐसा, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं आ पाता है। बाहर बनवाए हैं लेकिन ऐसा स्वाद नहीं आता है। अच्छा, ये हमको बताइए रितेश जी कि ये बलसाही क्यों नामी है, किस कारण से, कहाँ कहाँ इसका सप्लाई होता है? पहली बात तो नामी होने का तो सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ का स्वाद, और उसके बाद यहाँ का जो मिठाई जो चूँकि क्वांटिटी में सेल होता है तो रेट भी यहाँ सस्ता है, ये रेट भी यहाँ का सस्ता है, कम दाम होने के कारण और कम दाम में स्वादिष्ट मिठाई होने के कारण इसका डिमांड और सेल इसी बात से। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो अगल बगल के लगभग 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के रेडियस में सप्लाई में जाता है, और वो खुदरा कहिए या होलसेल कहिए, चाहे शादी विवाह में हो, चाहे अभी तो खैर इलेक्शन का टाइम है तो नॉमिनेशन में फाइलिंग भी जाता है। नॉमिनेशन में भी लोग जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव जीतते भी हैं या कोई नामांकन कराते हैं, उनके समर्थक भी आते हैं, बाबा जी मिष्ठान भंडार में पहुँचते हैं और यहाँ से मिठाई लेते हैं, अपने समर्थकों के बीच बांटते हैं। और हमको ये बताइए कि रेट क्या है इसका? रेट तो अभी हम लोग रखे हैं 150 रुपये प्रति किलो। कुछ रेट बढ़ गया क्या? जी थोड़ा बहुत, क्योंकि गैस का दाम और चीनी का दाम इंक्रीज करता है, तो चूँकि बहुत लो कॉस्ट पर हम लोग मिठाई बेचते हैं तो कोई भी चीज़ हल्का फ्लैक्चुएट होता है तो मिठाई के रेट पर प्रभावित हो जाता है। और जब ऐसे भी जब डिमांड बढ़ता है तो रेट बढ़ जाना वो तो नॉर्मल सी बात है जो पर्व त्यौहार में। यहाँ कितनी दुकानें होंगी बालूशाही की? लगभग 80 से 100 दुकानें होंगी। 100 दुकानें होंगी और एक दुकान में कम से कम 2 से 4 स्टाफ होंगे, कुल मिला के 500 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी जीविका चल रही है। और चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ रून्नी सैदपुर पहुँचने के लिए सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जो NH 57 है उससे रून्नी सैदपुर पहुँचा जा सकता है। रून्नी सैदपुर का नियरेस्ट स्टेशन रून्नी सैदपुर ही है जो यहाँ से शहर से लगभग 2 किलोमीटर पर स्थित है। तो आप अगर इस रास्ते से सफ़र तय करते हो तो निश्चित तौर पर रून्नी सैदपुर का बलसाई खाना नहीं भूलेंगे। हम भी अभी बलसाई का स्वाद चखेंगे और स्वाद चख भी चुके हैं, इसलिए हम भी लौट जा रहे थे तो रून्नी सैदपुर में अपने हमारे सारे जो दर्शक हैं उस दर्शक को रून्नी सैदपुर का जो बलसाई नामी है क्यों नामी है सारी बातों से हम रितेश जी से पूछे हैं और सारी बातों से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मिलता है हमको बल और हम आपको
ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है अपने चैनल के माध्यम से पहुंचते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगली खबर के लिए कुछ अलग स्थान पे कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR News Live। धन्यवाद।